पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डॉक्टर ने खुद लिखा है कि हेड इंजरी नहीं होती तो ये खुद खड़ा होकर चले जाता। 15 तारीख के बाद उसके ब्लॉग में बनाऊंगा। काफी लोगों का क्वेश्चन था कि अगस्त जॉन के जाने के बाद उसके चैनल कौन चलाएगा। फाइनली अगस्त जॉन के पापा ने ये चीज कंफर्म कर दिया है कि कौन वीडियो डालने वाला है। तो इस पर बात करते करते काफी ज्यादा इमोशनल भी हो गया था। आप पहले तो ये वाला क्लिप देखिए। उसके यूट्यूब चैनल की बात, वो हमें काम दे गया है कि पापा आप ये काम जरूर करना। 15 तारीख के बाद उसके ब्लॉग में बनाऊंगा। आप लोगों का प्यार मिलता है। अगस्त चौहान के पापा ने एक्सीडेंट के बारे में भी बात किया। जो लोग बोल रहे थे कि 250-300 की स्पीड था, तो लोगों को जवाब देते हुए क्या बोला आप लोग देखिए। वो गाड़ी 294 पे जरूर ले गया था, लेकिन एक्सीडेंट उसका 294 पे नहीं हुआ। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट में डॉक्टर ने खुद लिखा है कि हेड इंजरी नहीं होती तो ये खुद खड़ा होकर चले जाता, क्योंकि उसकी एक भी बॉडी में फ्रैक्चर नहीं है सिवाय सर के चोट के। 300 की स्पीड में अगर दीवार या किसी से टकरा होगा तो हड्डियां उड़िया कहीं दूसरे खेत से लानी पड़ती किसी की, गाड़ी का इंजन कहीं और से लाना पड़ता।